जज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने कहा, कोर्ट ने कहा कि चूंकि उनका जो पुराना इतिहास है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका भाई भी अभी एक्टिव मेंबर है कांग्रेस में, उनके फादर भी कांग्रेस में थे, तो आप दोनों को अगर आपत्ति नहीं हो, यानी दोनों काउंसिल को आपत्ति नहीं हो, दोनों तरफ के एडवोकेट को आपत्ति नहीं हो, यानी अभिषेक मनु सिंघवी साहब को और महेश जेठमलानी साहब दोनों को अगर आपत्ति नहीं हो तो इस केस को वो सुनेंगे, अदरवाइज उस केस से अलग हो जाएंगे। दोनों ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कोर्ट सुनने के लिए आज़ाद है। और उसके बाद केस की जो हेयरिंग है वो शुरू हुई। अब इस केस में इस देश के तमाम लोगों को पता है कि जो ट्रायल में हुआ है, जो जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है, वो जो है वो एक तरीके से एज पर लॉ नहीं है। निश्चित रूप से उस ऑर्डर को यहाँ से डिसाइड कर दिया जाएगा, होना भी चाहिए, क्योंकि जो डेफामेशन का केस है, जो डेफामेशन का केस है 499-500, उसमें पुरनेश मोदी जो है कंप्लेनेंट है। पुरनेश मोदी के बारे में राहुल जी ने कुछ नहीं कहा है, जो चीज़ कहा गया है वो फैक्ट है, वही ट्रुथ है, वो सत्य है, वो नीरव मोदी के बारे में और बाकी मोदी के बारे में कहा है, जो लोग यहाँ से स्कैम करके इंडिया से बाहर भाग गए हैं, जो चोर हैं, और चोर को चोर कहना किसी आईपीसी में ऑफेंस नहीं है। और जो राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कहा है, पुरनेश मोदी कंप्लेनेंट हैं, इनको किसी भी तरीके से कहीं नाम नहीं लिया गया है, तो ये जो तथ्य है, तमाम जो फैक्ट है वो लॉ के बियॉन्ड है। निश्चित रूप से इस ऑर्डर को जो हाईकोर्ट में हाईकोर्ट ने दिया है, गुजरात हाईकोर्ट ने, उसको निश्चित रूप से साइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने जितना लॉ पढ़ा है, जितना मुझे जानकारी है, उसमें आपको मैं 100% श्योर कर सकता हूँ, हालांकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो अंतिम राय तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कानून का जितना अध्ययन मैंने किया है उसमें इस ऑर्डर को निश्चित रूप से डिसाइड कर दिया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सर, अमूमन जब कभी निचली अदालत में जब कुछ फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से चाहे तो उसको कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है सुमोटो लेने का, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो तमाम फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को, एविडेंस को देख करके अंतिम फैसला लेने का। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस दुनिया जुडिशरी की सबसे बड़ी कोर्ट है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को देखेगा और देखने के बाद ही कोई फैसला लेगा। मैं तो आपको कानून की उन बारीकियों के बारे में बता रहा हूँ कि कानून क्या कहता है। कानून यही कहता है कि चोर को चोर कहना कोई अपराध नहीं है। अगर नीरव मोदी इस देश से स्कैम करके भागे हैं, ललित मोदी इस देश से स्कैम करके भागे हैं, दुनिया जानती है, पुरनेश मोदी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए पुरनेश मोदी की आत्मा को आहत होना कहीं से कहीं कोई स्वाभाविक नहीं होता। और ये तमाम चीज़ें जो है वो फैब्रिकेटेड करी गई है, ये तमाम लोग जानते हैं, इस देश के 140 करोड़ की जनता जानती है। तो आने दीजिए, अभी 4 अगस्त को डेट जो है वो फिक्स हुआ है, उस दिन अंतिम फैसला आएगा। और 10 दिन का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि 10 दिन में वो जो अपोजिट पार्टी है वो जवाब यानी रिप्लाई फाइल करेंगे, और उसके बाद जिस केस जो लिस्ट हुआ है 10 दिन बाद उस पर फैसला होगा, उस पर दोनों तरफ से आर्गुमेंट होगा और अंतिम फैसला कोर्ट देखेगी। कोर्ट को देखना है कि क्या करना है। अच्छा, अभी जो नोटिस जारी हुआ है पुरनेश मोदी को लेकर के और जो है गुजरात जो है सरकार को लेकर के, अब उसमें जवाब भी मांगा गया है, 10 दिन का समय दिया गया है, उसमें किस तरीके से क्या जवाब दिया जाएगा, क्या करेंगे आप, उसमें कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, जवाब जिनको देना है तो वो समझेंगे। हाँ, क्या जवाब उनको क्या देना है, मैं तो कानून तरीके की बात बता सकता हूँ, मैं तो कानून की बात बता सकता हूँ, और जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें उसमें आएगा। जवाब एक पक्ष जवाब देगा, दूसरा पक्ष अपनी बात करेगा, उसके बाद कोर्ट को सेटिस्फाई होना है कि किनका बात सही है, किनका बात गलत है, कौन कानून के बियॉन्ड है, कौन कानून के पक्ष में है, कानून के फेवर में, ये तमाम चीज़ें तो कोर्ट को देखना है। तो चूंकि अब 10 दिन का समय है, मुझे कोई डिसीजन मैं नहीं दे सकता, मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं वो गलत है। जो अभी इससे पहले आजम खान के साथ भी हुआ और MP MLA कोर्ट ने बड़ी कर दिया, कहा कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है फैब्रिकेटेड है, कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल क्या है कि जितना जल्दी, जितना क्विकली डिसीजन लिया गया, जितनी जल्दी वो सारी चीजें करी गई, वो कानून को दर्शाता नहीं है, कानून की ये परिपाटी नहीं रही है। कानून ये नहीं कहता है कि कानून में प्रावधान दिया गया है जो प्रोसेस है हाईकोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट आने का, इतना जल्दी जो है उनको सदस्यता से बेदखल कर दिया गया, उनकी उनके आवास को छीन लिया गया, ये जो है अप टू मार्क नहीं था।
क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के लिए अभी भी रास्ते बचे हैं सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद, उनको राहत मिल सकती है? मैं तो कहता हूं कि 101% राहत मिलनी चाहिए। अभी जो महाराष्ट्र में सरकार बनी, आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में सरकार बनी अभी दो दिन पहले, सरकार बनने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि 70 करोड़ के स्कैम के आरोपी हैं कौन? अजीत पवार। और अगले दिन उनके सरकार में वो मंत्री बन गए, डिप्टी जो है सीएम बन गए, फिर वो शुद्ध हो गए, सही हो गए। तो सवाल क्या है कि जो मोदी जी कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं, और देश की जनता आज जान चुकी है किस तरीके से जुडिशरी को डैमेज किया जा रहा है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रणाली को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है डैमेज किया जा रहा है। और इसी डैमेज का परिणाम है कि देश के एक एक लोग यानी 140 करोड़ की आबादी में एक एक लोग अब जानने लगे हैं कि देश जो है वो आज से 70 साल पीछे जा चुका है। हमें और आपको मिलकर के इस सियासत्ता के खिलाफ जो कानून के बियॉन्ड चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा सिस्टम है उसके खिलाफ चल रहा है, इसके खिलाफ आपको हमको लड़ना होगा। और आप जो देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इस आवाज़ को उठाइए, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, इसको उठाना पड़ेगा, तभी इस देश के बाकी जो जगह लोग हैं वो जगह और जगेंगे और इस सियासत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी ताज़ा की घटना मणिपुर है, मणिपुर में क्या हुआ वो आप जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, ये प्रुनेश मोदी जो मोदी सरनेम को लेकर के जो याचिका डाली थी, जिनके बाद से जो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी, फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल ये है कि प्रुनेश मोदी जी के पास मतलब वो कैसे साबित कर पाएंगे, क्या इतना आसान है कि उनको भी माना नहीं हुआ है मोदी सरनेम? नहीं, कहीं से कोई साबित नहीं होगा ना प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड है, इसमें कहीं से कोई साबित करने का मतलब नहीं है। बल्कि 499-500 एस्टेब्लिश ही नहीं होता इस केस में, क्योंकि कंप्लेनेंट का कहीं कोई नाम नहीं लिया गया है। और किसी एक चोर को चोर कह देने का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग चोर हैं। जो एक जिन लोगों का नाम लिया गया वो स्कैमर है, वो भागे हैं, इस देश को छोड़ कर गए हैं। जो 499-500 जो डिफेमेशन का लॉ है वो कहीं से एस्टेब्लिश नहीं होता इस केस में। आप देखिएगा जिस दिन डिसीजन होगा, ये जो है मैटर, जो ये ऑर्डर है हाईकोर्ट का, गुजरात हाईकोर्ट का, ये ऑर्डर जो है वो सेट असाइड होगा, राहुल गांधी की सजा बहाल होगी, राहुल गांधी को फिर से फ्लैट आवंटन होगा, ये तमाम सिस्टम दोबारा होगा। लेकिन सवाल है कि जो चीज़ें हुआ है वो शर्मनाक है, जुडिशरी के खिलाफ है। आपको लगता है सर कि ये मामला जो अभी चल रहा है मानहानि को लेकर के, ये सिर्फ एक राहुल गांधी और प्रुनेश मोदी के बीच का नहीं है, ये निश्चित रूप से ये आवाज़ 140 करोड़ लोगों का है, हर इस देश के एक एक लोग ये जानने लगे हैं, जो समाज इजाज़त नहीं देता, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता, जो जुडिशरी प्रोसेस इजाज़त नहीं देता, वो तमाम कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज़ हो रहा है देश के लिए शर्मनाक है, इस सियासत्ता के लिए शर्मनाक है। अपोजिशन कहाँ है आज के डेट में? अपोजिशन को तो उठा कर बंद कर दिया जा रहा है ताकि आवाज़ ना उठा पाए, तो कैसे आवाज़ उठाएंगे? मीडिया की आपको पता ही, आप मीडिया से हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं किस तरीके से न्यूज़ की एंकरिंग हो रही है, किस तरीके से जो है लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति में लड़ाया जा रहा है, एडवोकेट को CBI से लड़ाया जा रहा है, अगले को पिछले से लड़ाया जा रहा है, यही चीज़ें तो चलाया जा रहा है। हो क्या रहा है इस देश में? कुछ नहीं।